हेलो माय ब्यूटीफुल, आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी हमारे घर में चल रही है दिवाली की सफाई। आप लोग देख सकते हो सारे डब्बे वगैरह सब कुछ किचन के सब इधर आ गए हैं। सब सामान ऊपर का जो ड्रो जो दिख रहे कबट है ये हमने कर दिए निकल दी साफ। और अब ये सब करना है, ये हमारी गराज तैयार हूँ। फिर आप लोग देख सकते हैं ड्रॉर के बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। अभी रहने को गैस वगैरह ये सामने जो दीवार दिख रही है वो हमको धोनी है थोड़ी गर्म पानी से, ताकि इसकी जो चिकनाहट हो वो सब निकल जाए। तो अभी हमने तो कुछ बर्तन वगैरह ड्रॉर के सब इधर धुल के रखे हैं, कुछ आगे रखे हैं धूपने सूखने के लिए। ड्रॉर वगैरह ये सब सूख गया है। तो अभी हो रही है घर की सफाई, क्योंकि हम लोगों को जाना है गाँव, इसलिए हम लोग का जल्दी सफाई वगैरह सब निपटा के दिवाली इस साल हम गाँव करने वाले हैं। तो इस साल गाँव की दिवाली करेंगे, उसके बाद फिर आकर इधर थोड़ा बहुत साफ सुफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते में घर वैसा का वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमें तो घर पर भी जाकर सफाई वगैरह करना है। ये हमारी आराध्या है जो देख रही है कि मामा क्या कर रही है। ये अभी उनको सब निकाल कर इधर रखा है कुछ सामान किचन का, कि एक बार बैक कैमरा करके दिखा दे। मैंने निकाला है ब्रश के मदद से, मैंने सब किया ये दाग वगैरह जो लगते हैं ये सब हमको भी क्लियर करना है। अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने इसमें दवा वगैरह जो डालते हैं ये सब डाला है, तब नहीं करेंगे। दवाई स्प्रे किया है, इसके अंदर भी मैंने दवा ही स्प्रे किया है, इसलिए ये दवा वगैरह स्प्रे किया है तो ताकि जल्दी से साफ हो जाए। ये सब की डोल में किचन का कचरा भरा हुआ है, ये आराध्य बर्तनों से खेल रही है। ये गवर्नमेंट क्वार्टर है तो उसकी वजह से हमारे घर में सीलिंग भी थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि इसके उस साइड बाथरूम वगैरह तो इस हिसाब से सीलन से रहती है। ले चलते हैं अगले कमरे में, यहाँ की ऑलमोस्ट सब हो चुकी है, लेकिन ये कपड़े वगैरह जो रह गए ये अभी हमको लगाने हैं। ये जो खिड़की है ये जो हमने कल साफ़ की थी, लेकिन अभी इसको पोछने का बाकी है। लेकिन इसकी मिट्टी वगैरह सब ने साफ़ सुफ कर दी है, ये पूरा कमरा क्लियर कर दिया है। लेकिन किचन का कुछ सामान अभी हमने इधर रख दिया है, ये प्याज वगैरह ये सब कुछ, ये सूखे कपड़े थे ये सब अभी कुछ सामान है जो ऊपर चढ़ाना है, लेकिन अभी हमने इधर ही रख दिया है, कुछ टाइम बाद ही चढ़ाएंगे। इसलिए मंदिर वगैरह हमारा साफ हो चुका है, तो दिवाली की मोस्ट ऑफ सफाई हो चुकी है, सिर्फ आगे का कमरा रह गया है। तो अब धीरे धीरे करेंगे। और आप सब लोगों के दिवाली की सफाई कैसी चल रही है ये भी ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी हमारा करवा चौथ का व्लॉग तो नहीं बन पाया है, लेकिन कुछ मेहंदी वगैरह इसकी फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ये हमारी आराध्या है जो कुछ बोल रही है कि मुझको नहीं दिखाया है, तो ये भी मेरे साथ कब से काम करवा रही थी। हाय बोलो, हाय के को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, कमेंट्स करो। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, बोलो। उसको कुछ अभी बोलना नहीं आता है, जो कुछ भी आता है वो उसने बोल दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम। तभी मेरी छोटी बेटी सो रही है, इसलिए मुझे बीच में थोड़ा 5 मिनट का टाइम मिला, उसमें मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया है। लेकिन अभी मैं बहुत सारा करना है काम, और अभी दोपहर के बज रहे हैं 4, देख सकते हैं आप लोग। तो इसलिए हमको अभी करना है बहुत सारा काम, शाम तक ये सब क्लियर करना है, ये सब निपटाना है। कि आप लोग देख सकते हैं हमारे ड्रॉर क्लियर हो चुके हैं, जो कि मैंने दिखाया था कितने गंदे सब कुछ था, तो सब
क्लियर कर दिया है। दिवाली की जो किचन की सफाई, वो आधा किचन तो हो चुका है, ये ड्रॉर साफ हो गए हैं, किचन की दीवार वगैरह, ट्यूबलाइट्स भी मैंने एकदम क्लियर कर दी है, पोंछ दिए अच्छे से, ये सब इतना हो गया है। पर अभी ये सब लगाना बाकी है, सब बर्तन वगैरह ये सब अभी इकट्ठा हम लगाएंगे, फिर उसके बाद आएगी ये रात को। ये दोनों जो डब्बे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये दोनों खाने, ये दोनों ही क्लियर करूँगी मैं रात को, ताकि ये सब मैं एक सा लगा सकूँ, और ये फ्रिज के ऊपर जो थोड़ा बहुत सामान रखा है ये सब मैं एक सा लगाऊंगी, अच्छे से लगा कर रखूँगी। तो अभी तो ये सब मैं रात को ही करूँगी, अभी तो सब ऐसे ही साइड में लगा दूँगी, क्योंकि शाम हो चुकी है और खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। तो अभी हमारी आरू तो अभी सो ही रही है, हमारी आरू सो रही है, और अभी ये सारे कपड़े हमको कबाट में लगाने हैं, कि कबाट की होगी ये सफाई, तो कबाट के सारे कपड़े इधर आ मैंने रख दिए थे, तो अभी ये सब कपड़े तय बना के रखेंगे हम यहाँ पर। मैं चलो आपको दिखाते हैं, ये हमारे ड्रॉर वगैरह ये रखे हैं सब धुल धुल के, टोवर और ये सारे के सारे बर्तन धोकर पोंछ कर इधर मैंने रखे हैं, तो जो भी सूख गए हैं और मैंने पोंछ भी दिए हैं, तो अब इन सबको लगाना ही बाकी है किचन में, ड्रॉर वगैरह ये सब। चलिए फिर, इसलिए चलिए, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।